भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चरित्र को लेकर कांग्रेसियों द्वारा जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे पूरे प्रदेश में भाजपाई आक्रोशित हो गए हैं और प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। जांजगीर जिले के अलग अलग इलाकों में भाजपाई सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपाई राहौद में इकट्ठा हुए और सीएम के साथ ही पीसीसी चीफ का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस से उनकी झूमा झटकी भी हुई। हमारे पामगढ़ मंडल के युवाओं युवा मोर्चा द्वारा आज मोहन मरकाम और भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किए हैं। भानु प्रतापपुर में जो हमारे उपचुनाव के प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम जी जिसके ऊपर चरित्र पर लांछन लगाया गया है, तो हम इस लांछन से डरने वाले नहीं हैं और लांछन को अपना लगाएं, उसको माफी मांगे। सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल पे प्रदेश सरकार एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जो उपचुनाव हो रही है और भाजपा की ताकत को देखते हुए प्रदेश सरकार एवं कांग्रेस सरकार ने अपनी उल्लू सीधा करने के लिए, लोगों को भगावे के लिए, आदिवासियों को छलने के लिए हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी के ऊपर चारित्रिक